बैक माय चैनल ग्लैम विद अंशु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहां होंगे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। गाइस, आज का टॉपिक है हमारा, गाइस आप अपने ब्रश टीथ को कैसे क्लीन करते हैं, ब्रश करने का सही तरीका क्या है। गाइस, इस टॉपिक पे मैं बात करूंगी और आपको बताऊंगी किस तरह आपने अपने दांतों को क्लीन करना है। दांत अगर आपको क्लीन कर रहेंगे गाइस, तो इससे आपको बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं आपको टीथ को लेकर के, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले गाइस, आपके मुख से स्मेल आना, ये प्रॉब्लम्स आपकी हट जाएगी। सेकंड, आपके दांतों का पीला पड़ना। थर्ड, आपके मुख आपको पायरिया होना। फोर्थ, आप ब्लड आना, दांतों से ब्लड आना। या फिफ्थ, जो प्रॉब्लम्स हमारी गाइस है, हमारे दांत जो घिस जाते हैं उन्हें हमें रिफिल करवाना पड़ता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है आपकी, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी गाइस। इसके लिए आपको शुरू से लास्ट तक मेरी वीडियो देखनी होगी। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, तो इस तरह अगर आप अपनी रूटीन बना लेंगे, तो इससे आपके टीथ बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे गाइस। सबसे पहले मैं अब बात करूंगी जो आपकी माउथ से स्मेल आती है, उसके लिए आपको क्या करना है। डिनर करने के बाद रात में आपने गर्म पानी का यूज करना है। आपने जब डिनर कर लेना है, तो उसके बाद आप ट्राई करें आधे घंटे बाद अपने कुल्ला जो करना है, जिसे हम बोलते हैं कुल्ला करने के लिए, आपने गाइस गर्म पानी का यूज करना है। गर्म पानी से जब आपने माउथ को क्लीन कर लेंगे, तो इससे आपके जो दांतों में जो भी फंसे होंगे, खाने वगैरह जो भी आपने खा डिनर किया होगा, तो वो सारे आपके निकल जाएंगे। साथ ही साथ आप जब ब्रश करते हैं गाइस, तो ब्रश करते समय आपके जो टीथ होते हैं, और टीथ केवल हमें टीथ पर ब्रश को नहीं करना है, हमें आधे मसूड़े और आधे टीथ को लेकर के उसे अच्छी तरह नीचे की तरफ ब्रश से क्लीन करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना है आपका ब्रश किस तरह है। आपका ब्रश सही होना चाहिए, बिल्कुल घिसे हुए ब्रश नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो आपके टीथ को बहुत ही ज्यादा रब करते हैं, जिससे आपके टीथ जो है बिल्कुल घिस जाते हैं। तो आपका ब्रश सही हो, और ऊपर से नीचे इस तरह करते हुए आपने ब्रश करना है। अपने माउथ को ओपन करके आपने पीछे के दांतों में आपने ब्रश करना है, अंदर की तरफ से आपने ब्रश करना है। इस तरह से जब आप ब्रश करेंगे, तो आपको स्मेल की प्रॉब्लम्स आपकी निकल जाएगी, और आपके दांत की जो पीले हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स आपकी निकल जाएगी गाइस। तो इस तरह से आपके दांत के पीलेपन, आपके दांतों का पीलापन हट जाएगा, और साथ ही साथ आपके दांत बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे गाइस। अब मैं बताऊंगी आपको जो ब्लड की प्रॉब्लम्स होने लगती है, वो किस तरह ब्लड की प्रॉब्लम्स होने लगती है गाइस। जब हम ब्रश सही तरीके से नहीं करते हैं गाइस, सिर्फ हम अपने टीथ पर ब्रश करते हैं, और अपने जो टीथ में, हमारे टीथ में जो खाने जो भी हम खाते हैं, वो सारा जाके जब बैठ जाता है गाइस, अच्छी तरह वो निकलते नहीं, तो उससे क्या होता है, हमारे दांतों पे एक खाने की जो है, जो जर्म्स होती है, उसकी एक लेयर बन जाती है। अगर आप देखेंगे, पहले तो वो पीले तरीके की लेयर होती है, बाद में वो धीरे धीरे हमारे दांतों में इस तरह फिक्स हो जाते हैं कि वहां पर वो कालेपन सा बनने लगता है। तो जब वो काला हो जाता है गाइस, तो वहां से हमारा ब्लड निकलने लगता है। वो ब्रश ना करने, सही तरीके से ना करने की वजह से हो जाता है, और साथ ही साथ हमारे दांत बहुत ज्यादा हल्के हो जाते हैं, उसकी जो पावर है वो खत्म हो जाती है, और फिर बाद में उन्हें हमें निकलवाना पड़ता है, दूसरे दांतों का यूज करना पड़ता है, या आपके दांत घिस जाते हैं तो उन्हें हमें रिफिल करवाना पड़ता है, जब हमारा ब्रश सही नहीं होता गाइस। तो ट्राई करें, जब भी आप ब्रश करते हैं, तो इस तरह से आप ब्रश करें, और डिनर करने के बाद आपने गर्म पानी का यूज करना है, जिससे आपके जो स्मेल आने की प्रॉब्लम है माउथ से, वो आपके माउथ से स्मेल नहीं आएगी। और भी आप एक यूज कर सकते हैं, रात को सोते समय आपने लौंग लेना है, उसे अपने माउथ में रख लेना है, और मॉर्निंग में जब आप उसे निकाले उठेंगे गाइस, और उसे जब आप स्पिच करेंगे, थूकेंगे, तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि आपके जो आप अपने आप में बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील करेंगे, वो फ्रेशनेस आपको फील करने को मिलेगी कि जो आप ब्रश करने के बाद करते हैं। तो लौंग आप अपने माउथ में जरूर रख सकते हैं, इससे आपके दांतों में जम्स नहीं बनेंगे, और आपके दांत बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे, स्मेल की प्रॉब्लम हट जाएगी, साथ ही साथ आपके दांत बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे गाइस। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा सारी हेल्पफुल होगी। अगर है तो मेरी वीडियो को लाइक, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ इसी तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।